मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 6वीं से लेकर 8वीं तक के विद्यालय नियमों के तहत खोले गए हैं, जिसके चलते संकुल केंद्र इचौल की माध्यमिक शाला इचौल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का क्रम शुरू हो गया है, जहां पर कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सतना जिले की जनपद शिक्षा केंद्र उचहरा के अंतर्गत शासकीय माध्यमिक शाला इचौल की, जहां पर इस तरह की शिक्षा दी जाती है कि दूसरे विद्यालयों को भी इसी तरह का अनुकरण करने की आवश्यकता है। यहां विद्यालय समय से खुलता है और समय से बंद होता है। इसके साथ ही सभी शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए सरकार की मंशा को मजबूत करते हुए देखे जा रहे हैं। शिक्षा के संबंध में महिला शिक्षिका विभा गौतम ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन के नियम अनुसार विद्यालय का संचालन किया जा रहा है और विगत वर्षों में विद्यालय नहीं लगने के कारण जो छात्रों में कमी नजर आ रही है उसको पूरा करने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। हमारा यह प्रयास रहेगा कि छात्र जो नए हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, तत्काल उनकी समस्याओं का हल किया जाएगा। वहीं शिक्षक उमेश प्रताप सिंह ने कहा कि स्कूल आने के पहले छात्रों को कोविड-19 के नियमों के तहत पालन करने के लिए कहा जाता है और उसका पालन भी लगातार हम लोग भी कर रहे हैं, साथ ही सभी छात्र इसका पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी संकुल केंद्र के अंतर्गत कई ऐसे विद्यालय भी हैं जहां अभी भी ताला लटका हुआ नजर आता है। बता दें, कई प्राथमिक शाला में शिक्षक समय से नहीं जाते हैं, जिसका परिणाम छात्रों को भुगतना पड़ता है। इस मामले में प्रशासन पर बैठे जिम्मेदार नकारा साबित हो रहे हैं और देश की शिक्षा व्यवस्था कमजोर होती नजर आ रही है। लेकिन इसी संकुल केंद्र के अंतर्गत माध्यमिक शाला इचौल अन्य विद्यालयों के लिए आदर्श बनता हुआ नजर आता है। शिक्षक केवल इस विद्यालय का अनुसरण करें तो नौनिहालों का भविष्य काफी उज्ज्वल होता हुआ नजर आएगा। सितंबर से अपना विद्यालय संचालित हुआ है, जिसमें 50% मान से एक दिन बच्चियों को बुलाया जाता है और एक दिन बच्चों को बुलाया जाता है। आज बच्चों का दिन था, कल बच्चियां आएंगी, इस तरह करके 50-50% हमारे यहाँ विद्यालय में माध्यमिक शाला इचौल में सम संख्या के हिसाब से हैं बच्चे, जितनी बच्चियाँ हैं उतने ही बच्चे हैं। कोरोना गाइडलाइन पालन हो रहा? हाँ, पूरा नियम का पालन हो रहा है। मास्क बच्चे लगा के आते हैं और अपने विद्यालय में सैनिटाइजर की व्यवस्था है, तो सबसे पहले बच्चों को हैंड वॉश कराया जाता है। 6 से 8 का विद्यालय चालू हुआ है, तो उन विषम परिस्थितियों के बाद हम बच्चों को उनका विषय पढ़ाने के लिए मतलब पढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे उनका जो कोर्स है वो पूरा करवाया जा रहा है। उसके साथ साथ जो डिजी लैब में सामग्री है वो भी बच्चे घर जाकर उसका वीडियो वगैरह देखते हैं, होमवर्क भी देते हैं इनको, और हम उसके साथ पर डे बच्चों को होमवर्क भी दिया जाता है। दूसरे दिन उस होमवर्क को चेक भी किया जाता है, ताकि बच्चों में जो 2-1.5 साल में जो लिखने और पढ़ने की जो प्रवृत्ति थोड़ा कम हो गई थी तो वो और इम्प्रूव हो जाए, ताकि बच्चे अपने लिखने और पढ़ने की गति पुनः प्राप्त कर सकें।